पदार्थ की तीसरी जो विशेषता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। उनके कणों के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो उनको बांध कर रखता है। उदाहरण के लिए आपने किसी पानी के टैप को खोल करके देखा हो, क्या हम उंगली से उसकी धार को, पानी की धार को काट पाते हैं? नहीं काट पाते, क्योंकि पानी के अणु एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। इस एक्टिविटी में आप देख पा रहे हैं कि मैं इसकी धार के नीचे एक कांच की रॉड को लेकर जा रहा हूँ। आप इसको अपने पानी के नल की टोटी को खोल करके देखिए, क्या आप उस धार को काट पा रहे हैं? ये जो आकर्षण बल है कितना मजबूत होता है, इसको हम अगली गतिविधि के द्वारा जानेंगे। अब हम आकर्षण बल को समझने की कोशिश करते हैं। इस गतिविधि को कक्षा में आप ग्रुप बना करके कर सकते हैं। अब क्लास में कुछ बच्चों को चार ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप में चार बच्चे, जैसे बिहू डांस की मुद्रा होती है, उसमें एक दूसरे की कमर को कस करके पकड़े हुए हैं, जैसे इस चित्र में देख पा रहे हैं आप, बिहू डांस की मुद्रा में। दूसरी जो टीम है, दूसरी जो टोली है, वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़ी हुई है। और तीसरी जो टीम है, एक दूसरे की उंगली को, यहाँ पर मैंने कुछ चित्र के द्वारा इनको दिखाने की कोशिश की है। टीम ए के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की कमर को पकड़े खड़े हुए हैं, टीम बी के बच्चे एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़े हुए हैं, और टीम सी के बच्चे एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ के खड़े हुए हैं, जबकि टीम डी जो कि स्वच्छंद है। अब टीम डी को क्या करना है, ए बी सी की टीम की जो जो टीम है हमारी, उनकी चेन को तोड़ना है। तो आपको क्या लगता है कि टीम डी किसकी चेन को देर से तोड़ पाएगी और किसकी चेन को जल्दी तोड़ पाएगी? तो अगर हम देखें, टीम ए एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ कमर को कस करके पकड़े हुए हैं, तो टीम डी को टीम ए की टोली को अलग करना मुश्किल होगा, जबकि टीम सी जो केवल उंगली के टच के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। हम इन सबको थोड़ी देर के लिए पदार्थ के कण मान लें, इनके बीच के आकर्षण बल को दर्शाते हुए मान लें। तो ऐसा ही कुछ हमारे पदार्थ के कणों के बीच में होता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के बीच में जो आकर्षण बल है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, और जितना कम आकर्षण बल होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। अब इसको एक और गतिविधि के द्वारा आगे हम देखेंगे। अब हम पदार्थ के अंदर आकर्षण बल को समझने के लिए एक गतिविधि करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए लोहे की कील, एक रबड़ बैंड, चौक, हैमर, कटर। अब हम इनको काट कर, पीट कर, खींच कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। रबड़ को हमने खींचा तो ये टूट गई, चौक को हथौड़ी से पीटा या चाकू से काट कर अलग किया। अब हम लोहे की कील को पीट कर, काट कर नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो समान अवस्था में दिखने वाले पदार्थ, इनकी अवस्था जो अभी हमारे अगले वीडियो में आएगा कि अवस्थाएं क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और अदर फेसेस, उनके बारे में जानेंगे। तो समान अवस्था में दिखने वाले पदार्थ के बीच में भी आकर्षण बल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हम लोहे की कील को देख पा रहे हैं, लोहे की कील के जो आकर्षण बल है अन्य पदार्थों की तुलना में, जो दिए गए उदाहरण थे, ये अधिक था। तो इस एक्टिविटी से जाना कि अलग अलग पदार्थों में आकर्षण बल अलग अलग हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।